झारखंड में कांग्रेस विधायकों के दूसरे दल में जाने और सरकार को गिराने की कोशिशों के संबंध में छन छन कर आती खबरों के बीच अब कुछ विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़कर अलग गुट बनाने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि पार्टी को तोड़ते की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नए गुट के नाम पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अंतिम समय में दो आदिवासी विधायकों ने मुंह मोड़ लिया। बिरसा कांग्रेस के नाम से अलग गुट बनाकर तख्ता पलट करने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, लेकिन गुट के नेता के नाम पर कुछ विधायक बिदक गए। स्पष्ट कहा, जो वर्तमान में मंत्री वही अगली व्यवस्था में भी नेतृत्व करेंगे, तो फिर ऐसे बदलाव का क्या मतलब? इसके बाद कुनबा बिखर गया और कांग्रेस टूटने से बच गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के बागी विधायकों ने दो तिहाई विधायकों के साथ पार्टी से अलग गुट बनाने की पुख्ता तैयारी कर ली थी। इसके लिए कम से कम 12 विधायकों का साथ होना चाहिए था और संख्या बल के हिसाब से पूरे स्टेज तैयार हो रहा था। तैयारी यह भी थी कि भाजपा और झामुमो में से जो पार्टी भी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी उसके साथ हो लेंगे। अलग गुट बनाने की पूरी पटकथा तैयार हो जाने के बाद रांची जिले के खिजड़ी के विधायक राजेश कश्यप और सिमडेगा के विधायक नमन विट्ठल कुंगाड़ी ने अपने मोबाइल बंद कर लिए और चुपचाप निकल गए। सूत्रों की माने तो इसके बाद पार्टी के एक बड़बोले विधायक ने तो नेतृत्वकर्ताओं पर ही सवाल उठा दिया था। भरी बैठक में कह दिया कि वर्तमान में जो मंत्री है, अगर उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा तो फिर कांग्रेस में क्या खराबी है। इस प्रकार पूरा खेल चौपट हो गया। हालांकि कुछ नेताओं का यह भी दावा है कि बिचवद्धों की संख्या 10 भी नहीं पहुंच पा रही थी। जिस तरह से पार्टी के नेता और मीडिया पीछे पड़े थे, उससे इस बात का भी अनुमान लगने लगा था कि पूरा भांडा फूट जाएगा और सभी ने कदम वापस खींच लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।